नमस्कार दोस्तों, रूपेन आर शाह के इस एजुकेशनल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने जाना था आर्टिकल्स लर्न करने का एक यूनिक वे, आज हम टेंस के ऊपर जा रहे हैं। वर्ब फॉर्म में टेंस की बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत से बच्चों को होती है, तो हर एक वीडियो में हम एक नए टेंस के बारे में जानकारी लेकर आएंगे, यूनिक जानकारी। आज जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। लेकिन एक बात क्लियर है कि सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में सेंटेंसेस आएंगे तो वो सारे टेंस के इंक्लूडेड और कंबाइन आएंगे। तो पहले जो भी टेंस है तो बच्चों को ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो मेन थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो पहले उनको ये फ्यूचर टेंस के बारे में देखना है कि अगर सेंटेंस में विल और शैल आता है, अगर नेक्स्ट वाला कोई भी वर्ड होता है, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो और फ्यूचर इंडिकेटिंग कोई वर्ड्स, मतलब कि 2020 एक्सेट्रा, तो अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड होता है, विल, शैल, नेक्स्ट वाला कोई, टुमारो, फ्यूचर इंडिकेटिंग कोई वर्ड, तो वो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो जाता है। वो एक बार पे कंफर्म हो गए कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस का नहीं है, फिर उनको देखना होता है कि वो सेंटेंस पास्ट टेंस का तो नहीं है, तो उसके वर्ड होते हैं, अगर उसमें नेगेटिव और क्वेश्चन हो तो डीड आता है, यस्टरडे आता है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ऐसे कोई वर्ड होता है, और वर्ब फॉर्म में कोई पास्ट फॉर्म होता है, वेंट, थ्रू, एक्सेट्रा। हमने कुछ और वर्ड्स यहाँ पे नहीं लिखे, वॉज, वेयर, वो भी हो सकते हैं। तो पास्ट इंडिकेटिंग कोई भी वर्ड्स होगा तो वो पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। तो वर्ब फॉर्म में जब कंबाइन आते हैं, हम जानकारी देने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, लेकिन सिखा ऐसे रहे हैं कि भाई कंबाइन आएगा तो पहले देख लो कि वो फ्यूचर टेंस का नहीं है, आप कंफर्म हो गए, फिर देख लो कि वो पास्ट टेंस का नहीं है, वो भी कंफर्म हो गए। दैट मीन्स 100% आपकी एग्जाम में जो भी सेंटेंस आया है वो प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस का है वो आपने एक बार डिसाइड कर लिया, फिर ही आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर जा पाओगे। तो पहले ये कंफर्म कर लो कि जो भी सेंटेंस है, हम अभी बाद में इलस्ट्रेशंस में डिस्कस करेंगे कि वो फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस का है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में SPT, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें डू और डस की वैल्यू है। सिंगुलर और प्लूरल में देख लेते हैं, आई डू, वी डू, यू डू, यू डू, और ही शी इट में डस आता है और दे डू, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी और इट की अगर नाउन के फॉर्म में बात हुई तो वहाँ पे डस आएगा। ओके, तो इसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? इफ़ ही शी और इट इज इन द सेंटेंस एज अ नाउन, देन वी हैव टू ऐड एस और ES आफ्टर वर्ब। इफ़ ही शी और इट इज इन द सेंटेंस देन वी हैव टू ऐड एस और ES आफ्टर वर्ब। और इफ़ आई, वी, यू, दे, अगर इनमें से कुछ है सेंटेंस के अंदर, तो फिर हमें जो भी वर्ब ब्रैकेट में दिया हुआ है वही आंसर के स्वरूप में लिखना होता है। ही, शी और इट का सेंटेंस हुआ तो वर्ब के पीछे एस और ES हमें लगाना होता है, उसके भी रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल है, हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ही, शी और इट का सेंटेंस हुआ तो एस या ES ऐड करना है। अगर आई, वी, यू और दे का सेंटेंस हुआ तो हमें जो भी ब्रैकेट में वर्ब लिखा हुआ है वो सिंपल ही आंसर के स्वरूप में लिख देना है। अभी सोच लेते हैं कि सेंटेंस ही, शी और इट का है, मतलब आपको एस या ES ऐड करना है, तो ES लगाने का रूल है, सिर्फ एक रूल, इतना लर्न कर लो। अगर कोई भी वर्ड वर्ब का कोई भी आपको ब्रैकेट में दिया हुआ वर्ड है उसके लास्ट लेटर्स SSSCHX या O हुआ तो उसके पीछे ES आएगा। ही शी इट होना कंपलसरी है, ही शी इट होगा तभी ES लगेगा। लेकिन ही शी इट होने के बावजूद आपको देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट में जो वर्ड है, सपोज गो हुआ तो गो में लास्ट वर्ड O आ गया, ठीक। उस तरह से जो भी वर्ड है उसके लास्ट में SSSCHX या O आएगा तो ही शी इट होने के बावजूद आप S नहीं लगा पाओगे, वहाँ पे आपको ES लगाना होगा। ओके, और बाकी सभी जगह पे S लगेगा। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इन ऑल अदर वर्ब S इज एडेड आफ्टर द वर्ब बट ही शी इट इज मस्ट। अब देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत ही यूनिक जानकारी है,
कि ये वर्ड्स आए, पहले आपने कंफर्म कर लिया कि वो फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, और उसके बाद जब हम आप प्रेजेंट टेंस पे कंफर्म हो जाते हो तब आपको ये वर्ड देखने हैं। अगर इनमें से कोई भी वर्ड रहा तो 100% वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा। वो वर्ड्स है डेली, फिर एवरी वाला कोई भी वर्ड, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक, फिर ऑलवेज, फिर नेवर, समटाइम्स, रेगुलरली, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूजुअली, ऑफन और मैनी टाइम्स। हमने ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स कवर कर लिए हैं, तो इनमें से कोई भी वर्ड होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ड होगा और उस हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। अब आते हैं प्रैक्टिस पे। ठीक, पहला सेंटेंस देखते हैं। राम डैश टू द स्कूल डेली, राम डैश टू द स्कूल डेली, और ब्रैकेट में हमें दिया है गो। तो पहले देख लेते हैं राम टू द स्कूल डेली, इसमें कोई फ्यूचर टेंस का वर्ड नहीं है जो हमने आगे डिस्कस किया, इसमें से कोई पास्ट टेंस का भी वर्ड नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस कन्फर्म प्रेजेंट टेंस का है। ये कन्फर्म कर लिया कि ये प्रेजेंट टेंस का है। अब डेली वर्ड आता है, मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, हमने जो यहाँ पे वर्ड किया ना डेली, ठीक, तो डेली आया तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे राम है तो ही शी और इट में आता है, राम ही में आएगा, तो ही शी और इट हुआ और सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, तो आपको वर्ब के पीछे एस या ई एस लगाना है, लेकिन गो में लास्ट वर्क लास्ट का जो लेटर है वो ओ है, तो एस डबल एस एच एस एस सी एच एक्स या ओ हुआ तो आपको ई एस लगाना है, इसलिए यहाँ पे गोज आएगा। ठीक, उसी तरह से दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं। श्याम डैश न्यू मूवी एवरी वीक, तो ये भी फ्यूचर टेंस नहीं है, पास्ट टेंस नहीं है, मतलब कन्फर्म प्रेजेंट टेंस है, और एवरी वीक आता है मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। श्याम ही में आएगा मतलब एस या ई एस आपको लगाना होगा, और वॉच में लास्ट के दो वर्ड सी एच आते हैं, एस डबल एस 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 सी एच एक्स या ओ, तो इसलिए यहाँ पे ई एस लगेगा, आंसर होगा वॉचिस। अब हम सेंटेंस लेते हैं राम और श्याम कंबाइन, तो राम एंड श्याम डैश क्रिकेट रेगुलरली, और वर्ब है प्ले, तो राम और श्याम, राम इंडिविजुअली ही हुआ, श्याम इंडिविजुअली ही हुआ, लेकिन अगर हमने राम और श्याम लिख लिया तो वो कंबाइनली दे हो जाएगा, तो दे में तो डू आएगा, डू में आपको एस या ई एस लगाना नहीं है, हमने हर सेंटेंस में पहले देख लेना है कि ये पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस नहीं है, सॉरी पास्ट टेंस नहीं है, फ्यूचर टेंस नहीं है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस है, और रेगुलरली वो वर्ड्स में हमने मेंशन किया है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और उसमें दे है तो एस या ई एस कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो तो हमें सिर्फ ही शी और इट में लगाना है, तो ये वर्ब उसका आंसर हो जाएगा, तो उसका आंसर होगा प्ले। और एक सेंटेंस देखते हैं, मदर एंड चिल्ड्रन नेवर डैश अ लाई, मदर एंड चिल्ड्रन नेवर अ लाई, ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये पास्ट टेंस नहीं है, मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये हैबिट डाल लो कि ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये पास्ट टेंस नहीं है, पहले ये प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद नेवर ढूंढो, नेवर हमारे आगे जो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया वो उन वर्ड्स में से एक है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन मदर एंड चिल्ड्रन प्लूरल हो गया तो ये दे में आएगा, और दे के बाजू में डू आता है, मतलब आपको एस ई एस लगाना नहीं होगा, तो जो वर्ब है वही आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर टेल होगा। और एक सेंटेंस देखते हैं, ही डैश हिज क्लोथ्स एवरी डे, अगेन ये पास्ट टेंस नहीं है, ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का भी नहीं है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस का है, और एवरी डे आता है मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ओके, और ही है तो यहाँ पे डज आएगा, तो वॉश में लास्ट के टू लेटर्स एस एच है, एस डबल एस 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 सी एच एक्स या ओ, तो यहाँ पे ई एस लगेगा, आंसर वॉशिज आएगा। अब नेगेटिव में ले लेते हैं कि ही डैश नॉट डैश हिज क्लोथ्स डेली, पास्ट टेंस नहीं है, फ्यूचर टेंस नहीं है, ही है मतलब आप एस ई एस लगा पाओगे, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाला सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स होगी, तो उसमें आपको एस ई एस नहीं लगाना है, उसमें आपको सिंपली पहली फिल इन द ब्लैंक्स में अगर ही शी इट हुआ तो डज लिखना है, और दूसरे में वो वर्ब ऐसे ही लिख देना है, तो ही शी इट है इसलिए यहाँ पे डज, और ये यहाँ पे लग दिया वॉश डेली, से हमें मालूम हुआ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं,
वी ऑफन डैश चेस एट होम प्ले, तो ये भी पास्ट टेंस का नहीं है, फ्यूचर टेंस का नहीं है, प्रेजेंट टेंस का है, और ऑफन हमारा वर्ड आ गया, मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन यहाँ पे वी आता है और वी के साथ डू होता है, डस नहीं, इसलिए जो वर्ब है वो ही आंसर हो गया। और उसी तरह से हम नेगेटिव में देख लेते हैं, वी डैश नॉट डैश गेम्स रेगुलरली, ये भी फ्यूचर टेंस का नहीं है, पास्ट टेंस का नहीं है, इसलिए प्रेजेंट टेंस का है और उसमें रेगुलरली आता है, मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन वी का सेंटेंस है और नेगेटिव का है। वी का सेंटेंस ऐसे ही हुआ तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क हुआ तो हमने जैसे आपको बताया था कि पहले पहली फिल इन द ब्लैंक्स में इसके साथ जो आता है, आगे वाले में ही था तो डज लिखा था, यहाँ पे वी है तो डू लिखेंगे, और दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब ऐसे ही लिख देना है, तो इसका आंसर होगा वी डू नॉट प्ले गेम्स रेगुलरली। ठीक, और एक देख लेते हैं, राम समटाइम्स डैश अ नॉवेल इन वैकेशन, तो ये भी यहाँ पे कोई पास्ट टेंस का वर्ड नहीं है, कोई फ्यूचर टेंस का वर्ड नहीं है, मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस है, और समटाइम्स से हमें मालूम चलता है हमारे जो वर्ड्स की लिस्ट आगे दी हुई है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और राम ही में आएगा, सेंटेंस क्वेश्चन या नेगेटिव में नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो होगा उसमें हमें एस या ई एस ऐड करना होगा। अभी लास्ट लेटर डी है रीड में, एस डबल एस 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 सी एच एक्स या ओ नहीं है, रीड है, इसलिए यहाँ पे एस लगेगा, तो आंसर आएगा रीड्स। ओके, और यही क्वेश्चन हम यही सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क में देख लेते हैं, डैश राम डैश नॉवेल डेली, तो यहाँ पे भी कोई सेंटेंस पास्ट टेंस का नहीं है, फ्यूचर टेंस का नहीं है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस का है, और राम है मतलब कि ही हुआ, और क्वेश्चन मार्क में है तो ही शीट में डज आएगा, तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स में हमें इसके साथ जो आता है वो लिखना होगा, यहाँ पे डज आएगा, यहाँ पे वी था तो डू लिखा, राम है तो डज लिखेंगे, और दूसरी फिल इन ब्लैंक्स में जो वर्ब था वो ऐसे ही रख लेना है रीड। आशा है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की सारी नॉलेज मिल गई होगी, ये वीडियो को बार बार देखिए, दो तीन बार देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, और हमारी जो भी नोट्स हैं, मतलब कि ये जो रूल्स हैं वो एक कागज में लिख लीजिए, और ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसे एक बार फॉलो कर लीजिए, ये एक बार देख लीजिए, तो फिर आपको पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस परफेक्टली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक, अगले बार और एक टेंस के साथ मिलेंगे, और हमारे इस वीडियो को जितने भी ज़्यादा शेयर कर पाएँ उतना कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।